अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद सईदा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पुदीने की चटनी। ये पुदीने की चटनी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये जो रेसिपी है मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी सासू माँ की रेसिपी, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक गड्डी पूरा पुदीना ले लिया है, हरा पुदीना है फ्रेश। इसे मैं अच्छे से क्लीन कर वॉश कर लूँगी। और मैंने एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया ले लिया है डंडियों के साथ, 8 से 10 हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि आपको कितना तीखा चाहिए। 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है, सफ़ेद जीरा। और 4 से 5 मैंने मीडियम साइज की लहसुन की कलियां ले लिया है, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1/2 चम्मच राई, इमली, तेल और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले पुदीने को क्लीन करूंगी और इन्हें अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो चलिए पुदीने को क्लीन कर उन्हें वॉश कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं पुदीने की जो रस्सी होती है उसे मैं कट करूंगी। कट कर लिया है, अब मैं इन्हें क्लीन करूंगी। तो चलिए हम पुदीने को अच्छे से क्लीन कर इन्हें वॉश कर लेंगे। हम इन्हें इस तरह से क्लीन करेंगे, इसके जो पत्ते हैं डंडियों से लगे हुए हैं उन पत्तों को डंडियों से अलग कर इन्हें हम इस तरह से क्लीन करेंगे। सारे पुदीने को इसी तरह से हमें पत्तों से अलग कर डंडियां अलग कर देना है और पत्ते जो है वो अलग कर लेना है। फिर इन्हें हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ना, तो इन्हें वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक मिक्सी के जार में डालकर सारे मसालों को हम बारीक सा पीस लेंगे। देखिए, मैंने पुदीने को अच्छे से क्लीन कर इन्हें वॉश कर लिया है। अब मैं इन्हें और बाकी मसालों को मिक्सी के जार में ऐड कर उन्हें एक बारीक सा पीस लूँगी। तो मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उनमें मैं पुदीने को सारे ये सारे पुदीने के पत्तों को मैं एक मिक्सी के जार में डाल दूंगी। सारे पुदीने के पत्तों को मैंने अच्छे से क्लीन किया, उन्हें वॉश कर एक मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है। अब मैं साथ ही साथ इसमें हरा धनिया, उन्हें भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। हरा धनिया उनकी डंडियों के साथ मैंने ले लिया है, उन्हें एक मुट्ठी हरा धनिया है। और हरी मिर्च 7 से 8 हरी मिर्च लिया है मैंने मेरे हिसाब से हरी मिर्च इसमें ऐड किया है, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। फिर साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा 1/2 चम्मच और 4 से 5 लहसुन की कलियां है मीडियम साइज़ की, उन्हें मैं इसमें मिक्सी के जार में डाल दूंगी। फिर उसके साथ मैंने जो इमली लिया था उन्हें भी मैंने वॉश कर लिया है। इमली को जो है उसकी बीज है इमलियों की, तो उसे उस बीज को निकाल कर इमलियों को अच्छे से क्लीन कर वॉश कर इसमें ऐड कर देना है। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा और इमली, और साथ ही साथ मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। अब मिक्सी की जार का लीड लगाकर इन्हें मैं अच्छा सा बारीक सा पीस लूंगी।
चटनियों को राई और कड़ी पत्ता से तड़का दूंगी। कढ़ाई रख दिया है, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने तेल लिया था 1 चम्मच भरकर, उसमें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तेल जो गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें राई और जो कड़ी पत्ते लिए थे उसे इसमें ऐड कर इन्हें हल्का सा सौते होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें चटनी जो मैंने पीस लिया है पुदीने की चटनियों को और मसाला ऐड कर दूंगी। जो मैंने पुदीने को चटनी को पीस कर रेडी किया था उसे इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें पुदीने को जो मैंने पीस कर रखा था पुदीने की चटनी को, उसे इस राई और कड़ी पत्ते में ऐड कर इन्हें हल्का सा इस तरह से चला लूंगी। राई और कड़ी पत्ते का तरह से मैं चटनियों को ऐड कर दिया है। मैं करीबन इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इन्हें पका लूंगी इस तरह से। फिर इन्हें ठंडा होने के बाद मैं इन्हें एक डब्बे में डालकर स्टोर कर रख सकती हूँ। मैंने 3 से 4 मिनट तक का इन्हें अच्छे से भून लिया था। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसे ठंडा होने के बाद मैं इन्हें एक डब्बे में स्टोर कर रख दूंगी। आपको जितना ठीक लगे आप उतने दिन के लिए इन्हें स्टोर करके रख सकते हो। ये पुदीने की चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती और जैसा ठीक लगे आप उन्हें निकाल कर दाल राइस के साथ या रोटी सब्जी के साथ खा सकते हो। ये पुदीने की चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इन्हें ठंडा होने के बाद एक डब्बे में स्टोर करके रख दूंगी। इस डब्बे में मैं इन्हें स्टोर करके रख दूंगी। इन्हें आप जितना ठीक लगे उतने दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ये पुदीने की चटनी जल्दी खराब नहीं होती। इस तरह से मैं सारी चटनियों को इस डब्बे में स्टोर। ये देखिए पुदीने की चटनी को मैंने तैयार किया है और इन्हें स्टोर कर एक डब्बे में रख दिया है। अब मैं इन्हें ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने मेरी सासू माँ की रेसिपी आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए इस तरह से पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने आपके साथ मेरी ये सासू माँ की रेसिपी को शेयर किया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।